पाउच, तो इसको हम सिक्स हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इटियोलॉजी, थर्ड पैथोलॉजी, फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स, फिफ्थ डायग्नोसिस एंड सिक्स ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फेरिंजियल पाउच क्या होता है? ये पल्सियन डायवर्टिव फिल्म होता है वेयर फेरिंजियल म्यूकोसा, जहाँ पे फेरिंजियल म्यूकोसा हर्निएट करती है किलियंस डेहिसेंस के थ्रू। और किलियंस डेहिसेंस क्या होता है? वीक एरिया होता है दो पार्ट्स के बीच में इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के। और फेरिंजियल पाउच को हाइपोफेरिंजियल डायवर्टिकुलम या फिर सेंकस डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं। सो फेरिंजियल पाउच इज पल्सियन डायवर्टिकुलम वेयर फेरिंजियल म्यूकोसा हर्निएट्स थ्रू किलियंस डेहिसेंस, दैट इज द वीक एरिया बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफेरिंजियल डायवर्टिकुलम और सेंकस डायवर्टिकुलम। दैट सेकेंड एटियोलॉजी क्या है इसकी? इटियोलॉजी का तीन हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट एक्सर्ट कॉजेज अननोन, सेकेंड क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर स्पाज़म एंड थर्ड सीन इन ग्रेटर दैन 60 ईयर्स। तो फर्स्ट एक्सैक्ट कॉज तो इसका पता नहीं है, एंड सेकेंड प्रॉबेबली ये क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर के स्पाज़म के कारण होता है या उसकी इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस के कारण डिग्लूटेशन के दौरान, मतलब खाना गटकते टाइम पे। एंड थर्ड ये ग्रेटर दैन 60 ईयर्स के पेशेंट में देखा जाता है। नाउ थर्ड है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में तीन चीज़ें आएंगी। फर्स्ट मिडलाइन स्टार्ट, सेकंड गोज बिहाइंड इसोफेगस एंड देन थर्ड कम्स टू इट्स लेफ्ट। तो फर्स्ट ये मिडलाइन में स्टार्ट होता है हर्निएशन पाउच का, उसके बाद वो पीछे चला जाता है इसोफेगस के, और उसके बाद फिर उसके लेफ्ट में आ जाता है। तो ऐसे इसका हर्निएशन होता है। देन फोर्थ है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सेवन हेडिंग्स आएंगी। फर्स्ट है डिस्फेजिया, सेकेंड गर्गलिंग साउंड, थर्ड डिग्रेडेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, फोर्थ कफ, फिफ्थ एस्पिरेशन, सिक्स्थ मैलन्यूट्रिशन, सेवन्थ हाइटस हर्निया। तो फर्स्ट डिस्फेजिया होता है, सॉलिंग में डिफिकल्टी आती है खाना खाने में। देन सेकेंड गर्गलिंग साउंड आता है पेशेंट का, तो गर्गलिंग साउंड सॉलिंग के टाइम पर आता है। तो कुछ ही स्वालोज के बाद ना पाउच भर जाता है फूड के साथ, और फिर इसोफेगस में प्रेस करता है, इसीलिए स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी आती है और गर्गलिंग साउंड भी। एंड थर्ड रिगर्गिटेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, नाइट में रिगर्गिटेशन हो सकता है स्पेशली जब पेशेंट लाइंग डाउन है तब। एंड फोर्थ फिर कफ होता है, फिफ्थ एस्पिरेशन भी हो सकता है उसका, देन सिक्स्थ माल न्यूट्रिशन, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है एक्चुअली, एस्पिरेशन निमोनिया से सिक्स माइल रेस्ट हो जाता है पेशेंट डिस्पेजिया के कारण। और सेवन्थ हाइटस हर्निया भी हो सकता है। हाइटस हर्निया मतलब क्या? जब अपर पार्ट जो होता है ना स्टमक का, वो बल्ज कर जाता है डायफ्राम से चेस्ट कैविटी में, डायफ्राम के थ्रू बल्ज कर जाता है चेस्ट कैविटी में, तो वो भी हो सकता है। तो इसकी पैथोलॉजी में ना एक्चुअली सैक का माउथ वाइडर हो जाता है ईसोफेगस की ओपनिंग के कंपेरिजन में, और फूड प्रेफरेंशली सैक में एंटर कर देता है, तो इसलिए वहाँ पे फूड चला जाता है। देन इसका फिफ्थ हेडिंग है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में पेरियम स्वालो से करते हैं फेरिंजियल पाउच का। देन सिक्स्थ है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तीन हेडिंग्स में आएगा। फर्स्ट एक्सिजन ऑफ पाउच एंड क्रिकोफेरिंजियल मायोटोमी, सेकेंड डॉलमेंस प्रोसीजर एंड थर्ड एंडोस्कोपिक लेजर ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट पाउच का इंसिजन करते हैं और क्रिकोफेरिंजियल मसल में ओपनिंग बना देते हैं, इस सर्वाइकल अप्रोच से करते हैं। देन सेकेंड डॉलमेंस प्रोसीजर होता है। डॉलमेंस प्रोसीजर मतलब पार्टीशन वॉल होती है इसोफेगस और पाउच के बीच में ना, वो डिवाइड की जाती है डायथर्मी से थ्रू एंडोस्कोप, मतलब इसोफेगस और पाउच के बीच में एक पार्टीशन वॉल बना देते हैं डायथर्मी से और एंडोस्कोप के थ्रू। और थर्ड एंडोस्कोपिक का लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, और ये डॉलमेंस प्रोसीजर जैसे ही होता है पार्टीशन बनाया जाता है पाउच और इसोफेगस में, वो डिवाइड किया जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए। तो ये था फेरिंजियल पाउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।